दोस्तों, मेरा नाम अतुल कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक्निकल विजन। चैनल दोस्तों, आज यार हम लोग बात करने वाले हैं एयरटेल वोडाफोन जैसे जो आइडियाज़ हैं ऐसे सिम्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग जैसे जानते हैं कि 35 रुपीज़ का जो रिचार्ज कराना पड़ता था, बट वो अब आपको नहीं कराना पड़ेगा। आपको सिम चालू कराना रखनी है हमेशा के लिए, तो यहाँ पर कंपनी ने कहा था कि आपको 35 रुपीज़ का एक रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसमें आप पूरे मंथ मतलब 28 डेज़ के लिए अपनी सिम चालू रख सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको अगले महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा, आप चाहे उसे यूज़ करें या ना करें, आपकी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। बट यहाँ पर कंपनी ने ये जो है मतलब जो इन रूल्स निकाला था वो तो रूल्स वही रहेगा, बट यहाँ पर रिचार्ज कम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप 20 रुपये का भी रिचार्ज करा लो, 10 रुपये का रिचार्ज करा लो, 10 रुपये में आपको 7 रुपये 45 पैसे, 20 रुपये में आपको फुल टॉक टाइम, 30-35 रुपये में आपको साथ फुल टॉक टाइम है, 50 रुपये में फुल टॉक टाइम है। मतलब इस तरह की चीज़ मतलब उन लोगों ने ऑफर्स निकाल दिए हैं, बट आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। ये उन लोगों ने मस्ट है कि आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। अगर आप 35 वाला नहीं करा पा रहे तो आप 20 रुपये वाला रिचार्ज करा लीजिए, आपको उसको रुपये मिल जाएंगे, आप उनका यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको 15 रुपये का फिलहाल रुपये सस्ता कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर 20 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं सिम चालू रखने के लिए। अगर आपको यूज़ ही करना है तो 50 रुपये का फुल टॉक टाइम सकते हैं, 90 रुपये या 100 रुपये का आप ऐसे कुछ रिचार्ज उस पर भी फुल टॉक टाइम ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो ये था कि यहाँ पर आपको कम का भी रिचार्ज करा लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सिम का जो मतलब कि यहाँ पर बात करें, जो सिम है आपकी चालू रहेगी, कभी बंद नहीं होगी 28 डेज़ तक। अगले नेक्स्ट मंथ आप फिर से रिचार्ज करा लीजिए, आपकी फिर से सारी जो सुविधाएं वो सारी की सारी चालू कर दी जाएंगी। बट यहाँ पर अभी बात करते हैं जो ये आइडिया ने भी किया, यही एयरटेल ने भी किया और यही वोडाफोन ने किया है, और जियो का हम यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहते। आप लोग जानते हैं वहाँ के सारे प्लान्स क्या हैं, तो अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वहाँ के भी आपको प्लान्स बता देंगे कि मिनिमम रिचार्ज जियो को चालू रखने के लिए कौन सा कराना पड़ेगा। तो ये जो मेन वीडियो थी वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।